नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम बायोलॉजी का कुछ कठिन प्रश्न कर रहे हैं, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे छोटा आदमी जैसा एप, जिसका क्या नाम है? गिब्बन है। ठीक है, एप क्या होता है और लंगूर क्या होता है? ठीक है, एप और लंगूर में अंतर है। हम जो बने हैं, आप जो बने हैं, यानी कि जो मनुष्य बना है, वो एप से बना है, ना कि लंगूर से। एप और लंगूर में अंतर ये है कि जो एप होता है उसका तो पूंछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोग का पूंछ नहीं होता है, लेकिन लंगूर का पूंछ होता है। ठीक है, तो हमारा जो प्रजाति है, यानी कि हमारे जो पूर्वज कौन है? एप है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि सबसे छोटा आदमी जैसा एप कौन है, यानी कि आदमी जैसा ही दिखता है वो एप। ठीक है, तो वो गिब्बन है। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं एप कैसा दिखता है और लंगूर कैसा दिखता है। लंगूर में क्या होता है, जो बंदर जिसको हम कहते हैं उसका पूंछ होता है, आप देखेंगे कि काफी लंबा पूंछ होता है, लेकिन एप में जो पूंछ होती है वो नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है? गिब्बन। ठीक है, और भी कई सारे ऐप है, जैसे गोरिल्ला ऐप है। ठीक है, या आप कहेंगे और ना गुट्टम है। ठीक है, ये सभी ऐप के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सबसे छोटा ऐप कौन सा है? गिब्बन है। ठीक है, सी ककम्बर। सी ककम्बर क्या है? एक प्रकार का आप कह सकते हैं मेराइन एनिमल है। नाम सुनते ही आ रहा है दिमाग में, सी ककम्बर, यानी कि कुछ आप कह सकते हैं कि फल जैसा। ककम्बर क्या होता है? ककम्बर जिसको हम कहते हैं खीरा। ठीक है, तो खीरा होगा, यानी कि इस तरह से अगर ऑप्शन में दिया रहेगा कि ये एक फल है, तो आप अगर नहीं इसके बारे में प्रॉपर जानेंगे तो आप फल पे टिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन सी ककम्बर क्या है? एक प्रकार का एनिमल है। ठीक है, ये फिश भी नहीं है। अगर सी में रहता तो इसका मतलब ये नहीं कि फिश ही होगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का मेरीन एनिमल है। ठीक है, मेरीन बोले तो समुद्री है। ठीक है, एशियन पैसिफिक रीजन में पाया जाता है, जो कि एशिया का जो निचला भाग है, पैसिफिक वाला रीजन, यानी कि प्रशांत महासागर वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, सी लायन एक प्रकार का, ये भी एक एनिमल है। ठीक है, यहाँ फिर से कंफ्यूज होने वाली चीज दी हुई है। सी लायन, लायन यानी कि समुद्र का जो शेर होगा, यानी कि कोई मछली होगा, ऐसा दिमाग में आएगा। लेकिन ये भी क्या है? एक प्रकार का मैमल है। ये ज्यादातर कोस्टल एरिया में रहता है, ऐसा नहीं कि हमेशा समुद्र में ही रहता है। ये कोस्टल यानी कि जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे ये रहता है, हालांकि वो मछली वगैरह पकड़ने के लिए वो ड्राइव करते रहता है, यानी कि समुद्र में वो जाता रहता है। ठीक है, तो सी लायन भी एक प्रकार का एनिमल है। ठीक है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे सी लायन, सी ककम्बर, इस तरह के। ठीक है, मकड़ी, मकड़ी जो एक्सक्रेशन करती है, यानी कि उत्सर्जन करती है, वो किसका करती है? गुआनीन का करती है। जैसे अपन लोग क्या करते हैं, जैसे अपन लोग यूरिया का एक्सक्रेशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो मकड़ी किसका उत्सर्जन करती है? गुआनीन की। ठीक है, अब देखिए इसी पे कुछ और प्रश्न है। एक वर्ड आता है यूरियोटेलिज्म, दूसरा वर्ड आता है यूरिकोटेलिज्म, और तीसरा वर्ड आता है अमोनोटेलिज्म। ठीक है, तीन वर्ड आते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे, जो यूरिया का एक्सक्रेशन करते हैं, यानी कि जो यूरिया का एक्सक्रेशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उसको कहते हैं, यानी कि उन जीवों को कहते हैं, एक कॉमन बर्ड के थ्रू उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं यूरियोटेलिज्म। ठीक है, जो यूरिया का एक्सक्रेशन करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं मैमल्स और एम्फीबियन, जैसे अपन लोग हैं। ठीक है, अपन लोग क्या है? मैमल है। ठीक है, और एम्फीबियन जैसे कि आप कह सकते हैं मेढक वगैरह। ठीक है, तो मैमल्स और एम्फीबियन होते हैं जो यूरियोटेलिज्म होते हैं, यानी कि यूरिया का एक्सक्रेशन करते हैं। हम लोग जो यूरिन सेक्रेट करते हैं, यानी कि पेशाब करते हैं, उसमें क्या होता है? यूरिया होता है। ठीक है, तो जो अपना बेस्ट एक्सक्रेट करते हैं यूरिया के फॉर्म में, उनको कहते हैं यूरियोटेलिज्म। ठीक है, और जो जंतु यानी कि जो जीव यूरिक एसिड के रूप में अपना बेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिज्म। जैसे बर्ड वगैरह हुआ, इंसेक्ट्स हुआ, लिजार्ड हुआ, स्नेक हुआ, ये सभी जो रेप्टाइल है, बर्ड है, ये सब क्या कहते हैं? यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो यूरियोटेलिज्म समझ में आई और यूरिकोटेलिज्म समझ में आई। ठीक, आगे देखते हैं अमोनोटेलिज्म। इसमें क्या होता है कि जो अमोनिया का एक्सक्रेशन करते हैं, जैसे अपन लोग क्या करते हैं? यूरिया का एक्सक्रेशन करते हैं, लेकिन जो जंतु अमोनिया का एक्सक्रेशन करते हैं, अमोनिया के फॉर्म में अपना बेस्ट निकालते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं अमोनोटेलिज्म। ठीक है, जैसे कौन कौन से जीव है? एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई मछली वगैरह हो गया, मछली जो आप कह सकते हैं यूरिन किस फॉर्म में निकलता है? आप कहेंगे अमोनिया के फॉर्म में, ये अमोनिया छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे अपन लोग यूरिन छोड़ते हैं, उसी तरीके से ये अमोनिया छोड़ते हैं। ठीक है, तो इनका बेस्ट पदार्थ क्या हो गया? अमोनिया हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तीनों में कौन सबसे ज्यादा पॉइजनस होते हैं? सबसे ज्यादा पॉइजनस होता है अमोनिया। ठीक है, सबसे ज्यादा यानी कि टॉक्सिक किसको कहेंगे? अमोनिया का है। उसके बाद जो टॉक्सिक लेवल है वो किसका ज्यादा होता है? वो यूरिया का होता है। ठीक है,
यानी कि हम लोग जो छोड़ते हैं यूरिया छोड़ते हैं वो उसका जो टॉक्सिक लेवल है वो अमोनिया से कम है, लेकिन किससे ज़्यादा है? यूरिक एसिड से ज़्यादा, यानी कि सबसे कम टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब विषैला, ठीक है? तो सबसे कम टॉक्सिक कौन होता है? यूरिक एसिड। दूसरा सबसे ज़्यादा होता है कौन? यूरिया होता है। तीसरा सबसे ज़्यादा कौन होता है? अमोनिया, ठीक। ये तो हो गई जंतुओं के बारे में, ठीक है। अब आते हैं पौधे भी इस क्रिएशन करते हैं, पौधे भी अपना बेस्ट मटेरियल निकालते हैं, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में निकालते हैं? वो CO2 के फॉर्म में निकालते हैं, वो O2 के फॉर्म में निकालते हैं। O2 भी इसके लिए क्या है? बेस्ट मटेरियल नहीं है। दिन में क्या करता है? O2 निकालता है, यानी कि इसके लिए बेस्ट होगा तभी वो निकलेगा, अच्छा रहेगा तो अपने पास रख लेगा। और रेजिन है, लेटेक्स है, ये सभी इसके लिए बेस्ट मटेरियल है जो कि ये निकालते रहता है, ठीक है। जैसे हम निकालते रहते हैं यूरिया वगैरह निकालते रहते हैं अपन लोग, ठीक है, उसी तरीके से ये प्लांट्स भी कुछ निकालते रहते हैं, ठीक है। अब दो डिफरेंट जगह की बात करें, हर लेक्चर की बात है, ठीक है। तो पंथी लोक नृत्य कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। याद करने का तरीका, पंथ क्या होता है? पंथ मतलब होता है कि जो डिफरेंट विचार के लोग, ठीक है। तो जो डिफरेंट विचार के लोग होते हैं उनके बीच 36 का आंकड़ा होता है। आप कहेंगे कि ये अक्सर जो शादी विवाह होती है दो पंथ के बीच अगर शादी विवाह हो जाएगी तो आप जानते हैं कि 36 का आंकड़ा चलता है। अगर लड़का लड़की दो पंथ के हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हैं जाति के हैं या आप कह सकते हैं डिफरेंट धर्म के हैं, तो दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हो जाता है दोनों परिवार के बीच। हालांकि लड़का लड़की के बीच तो नहीं होता है, लेकिन दोनों परिवार के बीच 36 का आंकड़ा हो जाता है। इस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे कि दो पंथ के बीच क्या होता है कि 36 का आंकड़ा होता है शादी विवाह के चक्कर अगर कहीं पर हो गई तो, ठीक है। तो पंथी लोक नृत्य कहाँ क्या है? छत्तीसगढ़ का, ठीक है। हरंगी बांध, इसको अपन ट्रिक नहीं बना पाए, आप अपने तरीके से याद करेंगे। हरंगी बांध कर्नाटक में है, ठीक है। हरंगी नदी पे है, कावेरी की एक सहायक नदी है हरंगी, ठीक है। हेमोग्लोबिन का लेवल, जो नॉर्मल पर्सन में जो लेवल होता है वो कितना होता है? 13.8 to 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। ये मेल में होती है, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो 12.1 to 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर, डेसीलीटर बोले तो 10 डेसीलीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम 1 लीटर अगर आपका ब्लड निकालें तो उसमें कितना हो जाएगा? अगर एवरेज मैं निकालूं, हालांकि मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है और फीमेल में थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें एग्जैक्ट तो इतना आएगा नहीं, ठीक है। एवरेज हम 15 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर 1 लीटर ब्लड लेते हैं तो हीमोग्लोबिन कितना हो जाएगी? यानी कि एक लीटर बराबर 10 डेसीलीटर, ठीक है। 10 डेसीलीटर यानी कि 10 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 इसमें, यानी कि अगर 15 हम मानते हैं एवरेज तो 150 ग्राम, ठीक है, 1 लीटर, ठीक है। 150 ग्राम पर लीटर हीमोग्लोबिन होता है नॉर्मल बंदा या बंदी के आप कह सकते हैं शरीर में, ठीक है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगले सेशन में फिर से बायोलॉजी के कुछ चुनिंदा प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।